भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आ गए मैं एक और नई वीडियो में और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बली एनिवर्सरी एडिशन। तो आज की वीडियो में भी भाई काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलो हम फर्स्ट मिशन की तरफ हमारे चलते हैं, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट मिशन क्या है। मैं यहाँ पे आके खड़ा हो चुका हूँ और क्लिक कर देते हैं। और भाई आज हो सकता है हमारा चैप्टर 2 भी खुल जाए, मतलब भाई स्कूल से अपने को बाहर जाने की परमिशन मिल जाए। तो जो भी होगा आपके सामने होगा। तो अभी ये हमारा फर्स्ट मिशन है, जो कि भाई ये मोटा बच्चा हमको बोल रहा है कि भाई इसके पेपर चोरी कर लिए कुछ बदमाश बच्चों ने, जो कि हमको इसको लाके देना है। तो चलो भाई मैं चलता हूँ ढूंढने कि इसके पेपर किसने लिए हैं और मैं इसको लाके इसको दे देने वाला, सबमिट कर देने वाला हूँ। तो भाई उससे क्या होगा कि हमको थोड़े पैसे दे देगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा होगा यार। अपने पैसे वैसे भी पहले बहुत सारे वेस्ट हो चुके हैं, जिससे कि हम ड्रिंक वगैरह कुछ भी परचेस करके खा पी सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब स्कूल में यार यही सब करके अपने को पैसे कमाने पड़ेंगे। तो भाई इसके पेपर्स में इसको ढूंढ के दूंगा, जिसने भी इसके चुराए हैं। ओके भाई, यहाँ पे लड़ने के लिए मुझसे कुछ बच्चे आ गए हैं, पर इसी एक बच्चे ने भाई इसका पेपर चुराया हुआ है। तो भाई इसने तो अभी भाई बहुत ज़ोर से मेरे पेट में घूंसा मार दिया, पर कोई बात नहीं भाई, इनसे इनका बदला लिया जाएगा। और भाई मेरा एक फ्रेंड भी भाई हमारी हेल्प कर रहा है। ओके मुझे भाई अभी इससे पेपर लेना है, आप देख सकते हो ये वाला है, इससे भाई हमको पेपर ले लेना है हमारा, इसी के पास वो पेपर है। ओके मैं मार के उसको भाई घूंसा और उसको लिटा देने वाला है। मतलब हमारा एक देख रहे हो भाई पतला सा दोस्त है, पर वो भी भाई हमारी हेल्प कर रहा है। पहले हम स्कूल में अकेले थे, पर अब हमारे पास स्कूल में भाई फ्रेंड्स हैं, तो मैं इससे ले लेता हूँ। ओके भाई मैंने अभी इससे कलेक्ट कर लिया है, अब मैं चलता हूँ भाई दूसरे वाले हमारे फ्रेंड मतलब दूसरे वाले एनिमी की तरफ भाई, जिससे हमको पेपर लेना है। अब जो इसने मोटे का भाई पेपर चुरा रखा था, तो अब देखते हैं अब आगे कौन सा वाला है जिसने भाई चुरा रखा है, या फिर और नहीं भाई यहाँ पे एक ने छुपा रखा है। आप लोग देख सकते हो भाई एक ने यहाँ कचड़े के डब्बे के पास में उसका पेपर छुपा रखा था, तो वो भी हमने कलेक्ट कर लिया है अभी बढ़िया तरीके से। अभी मैं जा रहा हूँ भाई आगे की तरफ देखने के लिए कि अभी आगे वो कौन प्लेयर है भाई जिसने और इसका मोटे का और मेरे पीछे भाई सर पड़ चुके हैं। पर भाई आप लोग देख सकते हो एक हमारे उसी वाले फ्रेंड को भाई पेपर देने के लिए ललचा रहा है और दे नहीं रहा है, उसको कमज़ोर है ना भाई, इसलिए वो उसको सता रहा है। तो भाई इसको मारना तो पड़ेगा भाई, कब तक बचेगा। तो हमारे फ्रेंड से भाई पंगा लेने का अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। अभी देखो भाई कैसे घुसे घुसे दे रहा है उसके मुँह पे। जिमी तो भाई बहुत डेंजर है, सच बता रहा हूँ मैं, जिमी से डेंजर कोई नहीं। तो भाई वो भी दौड़ते दौड़ते आया मारने के लिए। ओके भाई इससे मैंने पेपर कलेक्ट कर लिया, अभी सिर्फ हमें एक लास्ट एनिमी से और हमको कलेक्ट करना है, जो कि भाई यहाँ की तरफ है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो भाई इसके अंदर वो छुपा और वहाँ पे ये छुप के रहते हैं दोस्त। तो ओके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब ये मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई दे दो मुझे। और भाई इसने मेरे पेट में मार दिया भाई बहुत ज़ोर से, मैं तो पेपर मांग रहा था भाई, पर अब भाई ये बचेंगे नहीं, अभी भाई ये बचेंगे नहीं, भागने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, भागने दूंगा भाई। इन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इसको भागने दूंगा, बहुत मार पड़ेगी तुझे यार, ये तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। चलो भाई इसको मैंने मार दिया, पर इसका पेपर यहाँ पे गिर गया था लड़ाई झगड़े के दौरान और मैंने इसको मार दिया। अब मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ और मैं उसी वाले बच्चे को जाके भाई पेपर दे देने वाला हूँ, जिसको भाई इसकी ज़रूरत है, जो कि पढ़ के मतलब एग्ज़ाम में पास वगैरह हो जाएगा। तो मैं उसको ले चल के भाई ये पेपर दे देता हूँ। आप लोग देखो यही है वो मोटा लड़का जिसको भाई जिसने हमसे पेपर मंगाया था, जिससे कि ये भाई हमको मनी देगा, देखते कितने रुपये देगा ये हमको। ओके भाई जल्दी से दे दे, कितने पैसे देना चाहता है तू। ओके मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, इसने दिए हैं भाई लोग हमको $10, जो कि काफ़ी सही है भाई, अब स्कूल के लिए काफ़ी सही है, वैसे तो कम है रियल में देखो तो, बाकी स्कूल लाइफ के हिसाब से सही है भाई, इतने में अपना काम चल जाएगा। तो ड्रिंक वगैरह खरीद के पी सकते हैं हम और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो चलो ठीक है भाई, मैंने इससे ये इतने पैसे ले लिए। अभी मुझे भाई जा रहा हूँ मैं अपने नेक्स्ट फ्रेंड की हेल्प करने, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड बनाए जिसको कि भाई किसी न किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती रहती है हमसे। तो भाई चलो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, जिससे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और हमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, हम और अच्छे से इस स्कूल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं अभी हमको किसकी फ्रेंड, अभी हेल्प गेरी, तो ये गेरी है भाई लोग, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है, मॉडल वगैरह है ये, तो हमको इसकी हेल्प करनी है। अब ये किस प्रॉब्लम में वो तो खैर अभी मुझे पता नहीं है, वो आगे चल के गेम में आपको पता चलने वाला है। तो मुझे गेरी को फॉलो करना है, तो चलो मैं गेरी के पीछे पीछे चलता हूँ। और भाई ऐसा लग रहा है ना मतलब कि वो भाई नेता है और हम उसके पीछे पीछे भाई जनता बन के घूम रहे हैं, पर नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड है भाई उसके, इसलिए पीछे पीछे चल रहे हैं, बाकी लीडर इनका मैं ही हूँ, ये बस हमको बता रहा है भाई इसको हेल्प चाहिए, इसलिए ये किसी लड़के से इसका पंगा है। और ये भाई तीन तीन लड़के से, एक से भी नहीं भाई। चलो पर भाई गेरी खुद भी बहुत मतलब ताकतवर है, कमज़ोर नहीं है, तो वो भी अपनी हेल्प कर सकता है, पर फिर भी भाई मैं इनको सबक सिखा देने वाला हूँ, क्योंकि गेरी अकेला ये तीन है, तो अभी हम दो दोस्त होके भाई एक और एक, समझ रहे हो, एक और एक 11 होता है, तो भाई देख लो आप ये क्या ही कर लेंगे यार। हमारा एक आगे की तरफ उधर भाई गेरी से लड़ रहा है, तो भाई तू कैसे भाई तू क्या समझ क्या रहा है अपने आप को भाई, अभी भी गेरी से लड़ रहा है, गेरी भी भाई बराबर मार रहा है इसको।
और चलो भाई मैंने इसको मार दिया अभी, तो ये तो भाई खत्म हो चुका है, पर मुझे जाना है भाई बेसमेंट में नीचे, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ भाई बेसमेंट के अंदर, और भाई ये बेसमेंट में लॉक लगे हुए हैं, बहुत सारे लॉक लगे हुए हैं भाई बेसमेंट के अंदर, तो जो कि मुझे खोल खोल के इन दरवाजों से बाहर जाना है इनडोर से। तो एक यहाँ पे लॉक आपको दिख रहा है जो कि लीवर है भाई, मैंने लीवर को खोल दिया और मैं निकल जा रहा हूँ अब आगे की तरफ। चलो भाई लीवर से भाई वैसे अभी तो काफ़ी सरल ऐसे लीवर होंगे तो भाई मैं बहुत आसानी से निकल जाने वाला उनको खोल खोल के, पर अगर ये लीवर के अलावा भाई कुछ और हुआ, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमको। इसका भी लीवर हमको सर्च करना भाई, लीवर से इस बेसमेंट के अंदर बहुत सारे, ये स्कूल के बेसमेंट में ऐसा बना क्यों रखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई नहीं भाई, ये मतलब बच्चों के लिए स्टोर रूम टाइप में है ये, और एक लीवर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इस लीवर से मैं डोर को ओपन कर देता हूँ, तो जो कि ये डोर खुल चुका है जिससे गैरी भाग चुका है, और हमको जाना है इसके पीछे पीछे। काफ़ी यार मुश्किल जगह पर गैरी ने ला के हमको फंसा दिया, पर कोई बात नहीं भाई, हमारा दोस्त है, उसके लिए तो भाई कुछ भी कर सकते हैं हम। तो चलो यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी भाई मुझे देख रहा है एक उधर की तरफ, तो जिसको भाई मुझे इससे मारना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ये भी मैंने खोल दिया है, वहाँ पे था लीवर भाई, यहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते थे तो इसलिए मुझे इससे मारना पड़ा गिल्लोर से हमारी। और अभी एक उधर की तरफ सर्किट कुछ दिख रहा है, तो मुझे उधर ही जाना है लीवर के लिए। अभी देखते हैं भाई इसके नीचे से मुझे घुस के जाना पड़ेगा, तो चलो मैं इसके नीचे से भाई छिपकली बन के निकल जाता हूँ भाई। स्पाइडर मैन है हम भाई, सस्ते स्पाइडर मैंने हम। तो चलो यहाँ के लीवर को भी मैंने खोल दिया, अभी आप लोग देख सकते हो आगे की तरफ। अब मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ भाई, सस्ता स्पाइडर मैन है जिमी भाई, देखो यहाँ से मैं निकल जाने वाला हूँ भाई। बैठ गया है और ये निकला भाई, देखो कैसा चल रहा है छिपकली जैसा। चलो भाई अभी अपने को देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट है शायद इसकी स्टेज, इसके बाद भाई हम मेन बंदे तक पहुँच जाएंगे जिसके पास हमको जाना है। अब वो सर है, मैडम है, या गैरी का कोई बहुत ही डेंजर वाला दुश्मन है, वो तो मुझे नहीं पता। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई मुझे करना क्या है, मुझे इतना तो पता है इस आग को बुझाना है। हाँ भाई ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस आग को बुझाना है, पर आग को बुझाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। आग को बुझाने के लिए भाई 2 of 6 रेडियोज, ओके भाई ओके, मुझे अभी समझ में आ रहा है भाई। वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा है जिससे मुझे आग को बुझाना है, पर भाई उससे पहले मुझे इस पंपकिंस को फोड़ना है भाई पूरे को, तभी भाई ये मेरा कंप्लीट हो पाएगा और मुझे आगे जाने का रास्ता मिल पाएगा। तो चलो मैं इन पूरे पंपकिंस को अभी फोड़ देने वाला हूँ भाई, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यार, क्योंकि मैं इनके ऊपर सही से कूद भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इससे भाई एम कर करके इनको फोड़ूंगा परमानेंट, जिससे कि भाई ये सब फूट जाए। अब ऐसे भी आप लोगों को पता है यार, हम फ्री फायर के प्लेयर हैं तो भाई अपने को ये सब तो पता है कि भाई एम कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो भाई इनको उड़ा देने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ओके अभी लास्ट वाला नहीं, लास्ट नहीं भाई, अभी 23 नंबर का ही है, और 2 इसके खंभे के पीछे छुपे हुए हैं पिल्लर के, तो इनको मार देते हैं जल्दी से। ओके अभी लास्ट वाला बचा है सिर्फ, नहीं भाई अभी 2 और बचे, एक ही रहा। ओके भाई अभी लास्ट वाला बचा, आप किस तरफ है वो देख लेते हैं जल्दी से। गैरी भाई सामने खड़ा है, गैरी तुझे ना लग जाए इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ अभी, तो थोड़ा गैरी साइड हटेगा। ओके मुझे दिख तो चुका है भाई ये यहाँ की तरफ है, तो चलो इसको भी मैं फोड़ देने वाला हूँ अभी बढ़िया तरीके से। देखो भाई सीक्रेट अनलॉक पंपकिन हेट, ओके देखो भाई अभी अपना कुछ अनलॉक हो चुका है बढ़िया तरीके से। अभी मुझे बस ये फायर एक्सटिंग्विशर को लेना है और आग को बुझा देना है, जिससे कि भाई मेरे आगे जाने का रास्ता मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो चलो मैं ये ले लिया हूँ मैंने, अब इससे आग बुझा देते हैं अपनी बढ़िया तरीके से। ओके भाई इसको यूज़ करके ये आग हमारी बुझ जाने वाली है। ओके भाई अभी मेरा आगे जाने का रास्ता खुल चुका है और बढ़िया तरीके से आग भी बुझ चुकी है। चलो मैं आगे चलता हूँ और देखते हैं कि अब गैरी का किससे पंगा चल रहा है, और भाई उसको सबक मैं सिखा देने वाला हूँ। तो देखते हैं, इस तरफ को मुझे जाना है और मैं आ चुका हूँ आगे की तरफ, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ भाई रिंग टाइप का बना हुआ है, और कितनी गड़बड़ सी जगह भाई है। ये बच्चे लोग यहाँ क्या करते भाई, यहाँ पर फाइट होगी शायद मेरी किसी से। ओके भाई गैरी बोल रहा है कि तुम भाई लूज़र वगैरह हो और तुम्हें इससे फाइट करनी है। ओके भाई गैरी को भी हमारी पावर का भी अंदाज़ा नहीं है, और भाई मुझे इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है, मुझे लग रहा है भाई कितना डेंजर है वो भाई, एक ही गुस्से में तो लाल कर दे रहा है अपने को, क्या बंदा डेंजर है यार। पर क्या करें भाई, मारेंगे इसको भाई, मेरे को मतलब इसको मारने का मौका ही नहीं देना है, वरना तो ये गिरा देगा मुझे। देख लो आप कितना ज़्यादा बड़ा मोटा, अरे अरे रोक रहा है भाई, ब्लॉक कर रहा है, भागना पड़ेगा भाई। अरे ये ओ भाई साहब, इसने तो दीवार में ही भाई धूल निकाल दी इसने दीवार में, ऐसा मुंडी के दम पे अपने को पटका है भाई। पर रुक जा, तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई, मतलब मुझे इसने, मैंने इसको मारने का मौका दिया तो समझो मेरा काम तमाम हो जाने वाला है भाई। काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो यार कितना मोटा है ये, पर फिर अरे भाई अभी फिर इसने ब्लॉक किया, जब भी ये ब्लॉक करता है ना समझ जाओ मारने वाला है। ओ भाई इस बार तो दूसरी, ओ भाई ये कौन सी स्मैक लगा दी। ओके भाई इसको मैंने छुड़ा दिया कैसे तैसे करके अभी, और रुक जा भाई। अरे मौका तो दे भाई, ये मुझे मारने का मौका ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ओ भाई देखो कैसे घूसे मारा, मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा जा रही है भाई इसके इन वार से। पर भाई कब तक, अब एक ही घूसे का बचा है तो ज़्यादा का नहीं यार, पर ये मान नहीं रहा है मुझे, मार ना डाले ये जान से।
ओके भाई रुको, ओके भाई मैंने इसको मार दिया, अभी भाई लात ही लात दूंगा। और बता भाई, अब गैरी भी भाई हमारी ताकत को मानने लगा और गैरी भी बोलने लगा कि हाँ जिमी भाई तुम ही इस स्कूल के मेन डोन हो। तो भाई लोग गैरी ने भी हमारी ताकत को मान ही लिया आखिरकार। तो अभी हमारा देख सकते हो आप चैप्टर 2 खुल चुका है, जिससे हम बाहर की सिटी में जाकर काफी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। तो बाहर की सिटी में जाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक, और चैनल पर नया तो फिर जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।